Yes, students. So today's topic is accounting for not-for-profit organizations. अभी तक हम लोगों ने अगर पार्टनरशिप की बात करी है तो we discussed that the partnership is there to earn profit. But in our society, in our surroundings, there are so many institutions, so many organizations like our own school, which are there in the society not for profit motive. They are for not for profit organization. In organizations को हम NPOs कहते हैं भाई. और earlier these organizations were named as non-trade organizations. Non-trade means ये business नहीं करती. ये सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, लाइक कल्चर को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, आर्ट को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अकाउंटिंग बुक्स और लेजर अकाउंट्स व्हिच दे विल बी प्रिपेयरिंग, हमें जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो हमें देगा. मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशंस कैश बुक नहीं बनाती, दे प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सेम एज ऑफ योर कैश बुक. All the entries are related to cash and bank. They will be putting to this account, which they call receipt and payment account. And जो हमारे paper का criteria है, receipt and payment account he will give you for 5 mark question. Few adjustments he will give, and he will ask you to prepare income and expenditure account. So we are not calling it profit and loss account because these are the not for profit organization. And when they will be preparing this income and expenditure account, it is obvious that the debit side of this account will be the expenditure side and the credit side of this account will be the income side. And when we talk about the balancing figure of this account, either we will get surplus as the balancing figure or deficit will be the balancing figure. Surplus will arise when your credit side will be more than your debit side and reverse will happen, then deficit will be the balancing figure. और ज्यादा क्वेश्चन को एलैबोरेट करेगा तो वो बैलेंस शीट भी पूछ सकता है. 4 नंबर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और 2 नंबर में बैलेंस शीट ही कैन आस्क. सो बैलेंस शीट इज सेम सेम एज ऑफ योर पार्टनरशिप, जैसे हम सोल प्रोप्राइटर की किया करते थे वैसे ही बैलेंस शीट बनानी है. एक और बात आपने इस चैप्टर में याद रखनी है, द पार्टनर्स दे वर ब्रिंगिंग देयर कैपिटल टू रन द बिजनेस, द सोल प्रोप्राइटर वॉज ऑल्सो ब्रिंगिंग द कैपिटल टू रन हिज बिजनेस, बट इन दिस चैप्टर कैपिटल इज नॉट नेम्ड एज कैपिटल, रादर कैपिटल विल बी नेम्ड एज कैपिटल फंड. व्हाई कैपिटल फंड? बिकॉज इट इज अ पूलिंग ऑफ मनी. इस एनपीओ को चलाने के लिए बहुत सारे मेंबर्स होंगे, वॉलंटियर मेंबर्स होंगे, एंड दे विल ब्रिंग देयर मनी टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज अ पूलिंग ऑफ मनी. सो जब पूलिंग ऑफ मनी है तो हम उसे अकेला कैपिटल नहीं कहते, बिकॉज दिस कैपिटल इज नॉट बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल पर्सन. सो मेनी मेंबर्स और ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे ब्रॉट द मनी टू रन द एनपीओ. सो दैट्स व्हाई वी विल बी कॉलिंग इट कैपिटल फंड. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ लेट मी सी how he has proceeded in your book. पहले उसने एनपीओ का मीनिंग बताया, ठीक है, फिर एनपीओ की जो मेन इनकम्स होती हैं वो हमने सारी करनी है. डोनेशन मिल सकती है, चैरिटी मिल सकती है, मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन हो सकता है. सब्सक्रिप्शन कैन बी मंथली, कैन बी हाफ ईयरली और कैन इवन बी एनुअली. लोन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती हैं, बैंक से लोन ले सकती हैं. इसके अलावा इन योर बुक, क्योंकि थ्योरी पोर्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, he is talking about features of NPOs. First, entity. NPO is a legal entity separate from its promoter. So whosoever have promoted this organization, iski entity promoter se bilkul hatke hai. ठीक है, so separate entity concept का principle जैसे हमारा हर business में apply होता है, उसी तरह से NPO में भी है. Purpose, you tell the purpose. Their purpose is not to run the business for profit motive. They are not running the business, rather they are there to promote sports activities, to promote education activity, to promote art and culture, etc. They are there to protect the heritage even. They are there to do the social work in the society. So these organizations are NPO. Like a charitable dispensary hai. So free mein aap medicine dete hain. Agar medicine ke charges bhi lete hain to bahut nominal se lete hain. Slip ke hi 5 ya 10 rupees lete hain. So in that way we will be calling such organizations NPO. So their purpose is to promote culture, heritage, etc. that he wrote in your book. Ownership. So it is set up by individuals or companies or charitable society as charitable society or trust. Like we have in our own city Guru Nanak Mission Hospital, that is a charitable hospital. So which is being run by trust. यहाँ पे trust का मतलब क्या? Group of persons. They just come together and they just run the organization in a कलेक्टिव मैनर. सो वो जो ग्रुप ऑफ पर्सन है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रस्ट. तो ये या तो इंडिविजुअल्स मिलकर चलाते हैं या कई बार कंपनीज भी चैरिटेबल, लाइक टाटा ने कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला हुआ है,
ठीक है, कोई कैंसर का सेंटर खोला हुआ है, कैंसर की ट्रीटमेंट का सेंटर खोला हुआ है. सो लाइक दैट वे दीज आर बीइंग ओन्ड बाय द कंपनीज, कैन बी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स और कैन बी रन बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और चैरिटेबल सोसाइटीज और बाय ट्रस्ट. प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? To promote social work in the society, to do the welfare activities for the society, like orphans home khol liya, old age home khol liya. So these all are the work for the benefit of the society. Management. NPO is managed by the group of individuals, often called trustee. वो ऊपर भी point हो गया, ownership और management दोनों इकट्ठे point भी लिखे जा सकते थे. तो members मिलके एक trust बनाते हैं, वो trustee और managing committee. मैनेजिंग कमेटी मिलके फर्म को क्या करती है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को रन करती है. फंड्स, पैसा कहाँ से आएगा भाई ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए? तो फंड्स डोनेशन भी हो सकता है, सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, इवन बैंक से लोन भी लिया जा सकता है. एंट्रेंस फी, अबाउट देम वी विल बी रीडिंग इन दिस चैप्टर इन फर्दर पेजेस. मेंबरशिप फी होती है, लाइफ मेंबरशिप फी होती है, एंट्रेंस फी होती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी रिटर्न ऑन द बोर्ड. These are the three financial statements being prepared by NPO. So he also wrote the same wording, recipient payment account. मैं practical point of view से बात करूं तो recipient payment account will always be given in the question. इसकी preparation हमारे syllabus में नहीं है. This will always be given in the question and few adjustments he will be adding with it. And he will be asking you to prepare income and expenditure account and balance sheet. And once again, matching of the balance sheet in the question will be a hint कि आपने question ठीक किया है, right? So now he is talking about the difference between NPOs and profit making organizations. दोनों में main difference तो यही है. NPO का मकसद क्या है? Culture को, education को, sports activities को promote करना, extracurricular activities को promote करना. और इसका main मकसद क्या है? Profit की कमाना. चलिए जी difference देखिए. Purpose, purpose मैंने पहले से ही बता दिया. Sources of funds, profit making organization का sources of fund क्या होगा? They are raised as capital by the proprietor. Partnership लेके आए, में partners capital लेके आएंगे, और अगर company है तो shareholder से पैसा लिया जाएगा share capital की form में, या debentures की form में पैसा borrow किया जाएगा market से. उनके sources of funds क्या है? Entrance fee है, life membership fee है, subscription है, loans from the banks और financing institutions है. Financial statement, जो profit making organization है वो trading and P&L account sole proprietor बनाता है. पार्टनरशिप है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है. कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है, साथ में बैलेंस शीट बनती है. इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बता ही दिया है, सो दैट इज अ डिफरेंस. व्हेन सरप्लस और प्रॉफिट, व्हेन यू आर रनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एज एनपीओ, देन यू विल नॉट बी कॉलिंग द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर विल नॉट बी नेम्ड एज प्रॉफिट, रादर वी विल बी कॉलिंग इट सरप्लस. एंड इफ रिवर्स हैपन वी विल बी कॉलिंग इट डेफिसिट. वहां पे अगर आपकी एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से ज्यादा है तो हम उसे प्रॉफिट कहते हैं, अगर रिवर्स है तो हम उसे नेट लॉस कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट, एनपीओ का जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में या मेंबर्स में डिवाइड नहीं होता, बिकॉज दैट दे विल बी यूजिंग टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन. उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए वो पैसा लगाया जाएगा. लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर में प्रॉफिट है या कंपनीज में प्रॉफिट है या पार्टनरशिप में प्रॉफिट है वो मेंबर्स में डिवाइड हो जाता है. तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में बताएगा. रिसिप्टेंट पेमेंट इज सेम एज ऑफ योर कैश बुक, दो इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, बट इवन देन फॉर योर रेफरेंस आई एम प्रिपेयरिंग इट्स फॉर्मेट. रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, इट्स अ रिसिप्ट साइड डेबिट व्हाट कम्स इन का प्रोविजन लगता है. मींस कैश का आना डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, इनफ्लो ऑफ कैश. अब क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने क्यू हुई है तो आई कैन रिलेटेड विद दिस. पेमेंट साइड में आउटफ्लो ऑफ कैश आएगा, मीन सारे आपके खर्चे जो आप कैश में करोगे वो पेमेंट साइड पे आएंगे, सारी वो इनकम जो कैश में आपको मिल रही हैं वो इस साइड पे आएंगे. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ ही विल बी प्रिपेयरिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. सो दिस सेशन इज ओनली टू रिकॉल द थिंग्स, क्योंकि चैप्टर हम लोगों ने किया हुआ है, आपके माइंड में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जरूर है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट सो दैट यू कैन रिकॉल द थिंग्स, राइट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, 10 नंबर सीधा वेटेज है पेपर में, 25% होगी 40 नंबर के पेपर में अगर 10 नंबर वेटेज है तो. दिस इज फॉर डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स, नो आई शुड नॉट राइट पर्टिकुलर्स, आई शुड राइट रिसीट्स.
because debit what comes in, receipt of cash I will be writing on this side and payments I will be writing on this side. देखो बुक में भी उसने रिसिप्ट ही लिखा होगा, डेबिट का नाम, क्रेडिट का नाम पेमेंट्स ही है, राइट? सो दिस इज व्हाट अमाउंट. कैश बुक इज ऑलवेज बीइंग स्टार्टेड विद कैश इन हैंड, सो यू विल ऑलवेज बी हैविंग द ओपनिंग बैलेंस. और अगर कहीं एनपीओ इसी साल पहली बार शुरू हुई है तो हो सकता है कैश इन हैंड बिगिनिंग में बैलेंस ना हो, क्योंकि बिगिनिंग का बैलेंस मतलब लास्ट ईयर का जो कैश इन हैंड था वो ओपनिंग बैलेंस बना. सो दैट कैन बी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का भी होगा यहीं पे और बैंक का भी होगा, उसने दोनों लिखे हैं, कैश इन हैंड भी, बैलेंस एट द बैंक भी, ठीक है. इसके अलावा कैश कहां कहां से आता है भाई? टू लाइफ मेंबरशिप फी, टू एंट्रेंस फी, टू सब्सक्रिप्शन, जो कुछ एनपीओ को कैश में मिलेगा वो सारा आपने यहां पे रिकॉर्ड करना है. टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशन, टू लोन एटसेट्रा एटसेट्रा. और एक बात आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा के लिए माइंड में रखनी है, क्योंकि डिफरेंस भी वो पूछता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंस. इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन एक्रुअल बेसिस, राइट? तो उस अकाउंट में सिर्फ उसी साल के खर्चे उसी साल की इनकम्स आनी है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम आना है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों तरह के इनकम दोनों तरह के एक्सपेंडिचर आने हैं. लाइक अगर आप मशीन भी खरीदोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, लेकिन चाहे आप फिक्स एसेट खरीदो चाहे आप करंट एसेट खरीदो, बोथ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सिमिलरली कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम्स, बोथ टाइप्स ऑफ इनकम्स वी रिकॉर्ड हियर. देन बाय परचेसेस, हाँ परचेजेस क्या हो सकती है? ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब. तो स्पोर्ट्स मटेरियल आप खरीद रहे हो. और पेमेंट किस पे हो सकती है? आपने बिल्डिंग कोई रेंट पे लिया है, आप उसका रेंट पे कर सकते हो. सो मेनी अदर एक्सपेंसेस ही हैज रिटन, सो आई एम गोइंग टू रीड द लिस्ट. यस, ऑन डेबिट साइड वी विल हैव कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस, कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस, देन सब्सक्रिप्शन आई रोट हियर. सब्सक्रिप्शन चाहे करंट ईयर का हो चाहे प्रीवियस ईयर का हो चाहे एडवांस हो, तीनों तरह का सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में मिलेगा. एक्रुअल में सिर्फ उसी साल का मिलता है, मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन सिर्फ उसी साल का है. आउटस्टैंडिंग होगा तो हम ऐड कर देंगे, रिसीव्ड इन एडवांस होगा तो हम माइनस कर देंगे, जैसे फाइनल अकाउंट में किया करते थे, ठीक है. सो सब्सक्रिप्शन इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलग से क्वेश्चन आता है तीन नंबर में. जनरल डोनेशन स्पेसिफिक, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो. जनरल डोनेशन तब मानी जाती थी जब हमारा डोनर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता था, डोनर ने कुछ नहीं बोला, अब किसी भी पर्पस के लिए वो पैसा यूज कर सकते हो. स्पेसिफिक डोनेशन लाइक उसने कोई एनआरआई है, उसने स्कूल के लिए डोनेशन दी और बोला है लाइब्रेरी के लिए बुक्स ही खरीदनी है, तो स्पेसिफिक डोनेशन होगी ना, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स. सो दैट डोनेशन यू विल बी यूजिंग ओनली टू बाय द लाइब्रेरी बुक्स. इन दैट केस That donation we will be calling specific donation. चाहे donation general हो चाहे specific हो, दोनों तरह की donation आपकी receipt of cash है. Grant, बहुत बार आपने सुना होगा और economics में भी किया होगा, grant और subsidy government देती है. तो इन NPOs की activities को promote करने के लिए बहुत बार government से भी पैसा इनको मिलता है, उसे बोलते हैं grant और subsidy received from the government. State government हो चाहे central government हो. Entrance और admission fee मैंने बोल ही दिया. अगर पुराना रद्दी का सामान ये बेचेंगे तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर होगा, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन एनपीओस ने भी अपना फालतू पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया हो सकता है, और जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो वो इस तरफ आएगी बाय इन्वेस्टमेंट, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा? रिसिप्ट साइड पे आएगा. व्हेन यू रिसीव एनीथिंग इन कैश दैट इज टू बी रिकॉर्डेड इन योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वेदर दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रेवेन्यू नेचर, वी आर नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन. हम दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करते, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कैपिटल इनकम है चाहे वो रेवेन्यू इनकम है. ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स, ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, इफ दैट इन्वॉल्व इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, वी रिकॉर्ड देम इन योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. इफ यू पे रेंट यू कैन रिसीव रेंट. एनपीओ का बहुत बड़ा क्या है? हॉल है, ठीक है. वो पूरा हॉल एनपीओ को नहीं चाहिए तो उसका हाफ पोर्शन उसने रेंट पे दे दिया कोई कंपार्टमेंट बना के, सो रेंट रिसीव विल बी इट्स इनकम. Then, miscellaneous receipts, life membership fee मैंने पहले ही लिख दिया, subscription for special purpose हो सकता है, legacy. What is the meaning of legacy? This is the amount of donation which NPO receive as per the will of the donor.
विल में, अपनी वसीयत में जब डोनर लिख के जाता है कि ये पर्टिकुलर पैसा इस स्कूल को दे देना, मेरे टोटल मनी में से ये पैसा इस गुरुद्वारा को दे देना, इस टेंपल को दे देना, सो जब विल के अकॉर्डिंग एनपीओ को पैसे मिलते हैं उसे लीगेसी कहते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ठीक है, सो व्हेन यू रिसीव लीगेसी, एंडोमेंट फंड के बारे में आगे पढ़ेंगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट, पुराना कोई एसेट बेचा उससे पैसा मिला, फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमारा एक अलग से टॉपिक है, वी विल रीड अबाउट इट. तो फंड से रिलेटेड अगर कुछ भी पैसा मिलता है वो भी इधर ही आएगा. यस, कैश इन हैंड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव स्टूडेंट्स. ही सेज कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है जब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा. तो एनपीओ का जब बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो यू विल बी राइटिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश इन हैंड कभी नेगेटिव नहीं होता, यू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि कैश जितना आपके पास है आप उतना ही खर्च करोगे. ये थोड़ी ना आपके पास है नहीं कैश तो आप ज्यादा खर्च कर दोगे. योर एक्सपेंडिचर कांट एक्सीड द मनी इन योर हैंड. जितना पैसा आपके पास है आप उतना ही खर्च करोगे. कैश इन हैंड कभी नेगेटिव में नहीं है, बैंक बैलेंस नेगेटिव में हो सकता है. सो द वे आई रोट रेंट हियर, ही इज राइटिंग सैलरी हियर, ही इज राइटिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ही इज राइटिंग पोस्टेज एक्सपेंसेस. आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में न्यूज़पेपर और मैगजीन लगा रखे हैं उनका खर्चा, किसी इंस्ट्रूमेंट की रिपेयर करवाई है उसका खर्चा, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करवाते हैं सीए को अपॉइंट करके, उसको जो फी देते हैं तो ऑडिट फी है, अपने गोडाउन को, अपने हॉल को, अपनी बिल्डिंग को मेंटेन करने का खर्चा, मेंटेनेंस, आपने कई चीजों की इंश्योरेंस करवा रखी होगी, इंश्योरेंस का खर्चा, ऑनरेरियम. बहुत बार अपने मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए आप बाहर से स्पीकर्स बुलाते हो. ठीक है, उन स्पीकर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में आप कुछ पैसा कैश में देते हो. वो मोमेंटम हो सकता है, वो कोई शॉल हो सकता है, वो कैश हो सकता है जो एनवेलप में डाल के उन्हें दिया. दैट इज व्हाट वी कॉल ऑनरेरियम पेड. सो ऑनरेरियम इज ऑलवेज योर एक्सपेंडिचर. म्यूनिसिपल टैक्स हो सकता है, कोई एनुअल फंक्शन करवाया जिसमें प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट किए, ऑफिस एक्सपेंसेस है, कोई शो करवा दिया, कल्चरल नाइट करवा दी, सिंगिंग का कोई शो करवा दिया, बिकॉज यू आर हेयर टू प्रमोट कल्चर, यू आर हेयर टू प्रमोट आर्ट, डन. तो उसके लिए जो भी खर्चे होंगे दैट यू विल बी राइटिंग हेयर. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की परचेज, फिक्स एसेट की परचेज, इन्वेस्टमेंट मैंने पहले लिख दिया. यू आर मेंटेनिंग योर ओन लाइब्रेरी, आप उसके लिए कोई बुक्स वगैरह परचेज करते हो, दैट विल बी योर एक्सपेंडिचर. सो लोन अगर आपने लिया है तो इस तरफ आएगा, लोन की रीपेमेंट करी है तो पेमेंट साइड पे आएगा. सो यू विल बी गेटिंग अगेन द बैलेंसिंग फिगर, दैट विल बी कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस. दिस अकाउंट इज ऑलवेज बीइंग स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस एंड इट विल बी शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. डन, ओके. इतना कुछ मैंने करवाया, आप मेरे को बताना, हिंट मैं देती हूँ, इज इट अ रियल अकाउंट और अ पर्सनल अकाउंट और अ नॉमिनल अकाउंट? हाँ, नॉमिनल रियल है. हाँ तो क्या 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 मैंने बोला डिफरेंशिएट किया नहीं, कुछ भी आएगा. डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, तो रियल है. नॉमिनल का नॉमिनल तो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कुछ भी आया तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, कुछ भी गया तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया. रियल है, पहला पढ़ो. नेचर रियल है ना, रियल का मतलब होता है ना डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, एग्रीड. सो इट इज अ रियल अकाउंट. बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, यस. अगर आपको प्लस वन का सिलेबस थोड़ा सा याद हो तो हमारे अकाउंट्स में टू टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है. वन इज कैश बेसिस एंड अदर इज एक्रुअल बेसिस. एक्रुअल का मतलब है कुछ नहीं भी मिला तो भी ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो. यहाँ पे कहीं पे भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की ट्रीटमेंट नहीं है. सो व्हाटएवर एक्चुअली यू आर रिसीविंग इन कैश दैट ओनली वी आर रिकॉर्डिंग. लाइक डॉक्टर्स के केस में कभी हम ये डॉक्टर को बोलते हैं उधार कर ले, पर्ची के पैसे मैं कल दे दूंगा, नहीं ना. सो जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे आर ऑल्सो preparing receipt and payment account and they also follow cash basis of accounting. Done. So cash basis of accounting iske liye follow kiya jata hai. He can ask differentiate or describe the nature of receipt and payment account on the basis of accounting. So basis of accounting is cash basis of accounting. Whatever you receive in cash that we record, whenever you pay in cash that we record. Agla maine bata diya, can you differentiate between capital expenditure and revenue expenditure, capital income and revenue income. Let me come to their screens too. Yes, students, anybody who will define the capital expenditure and revenue expenditure? Yes, capital income and revenue income. I am waiting the answers from the students who are sitting online. Yes, students, who will tell? Chalo Bhavneet, unmute yourself. Bhavneet, are you there? Bhavneet, unmute karo.
मौलिक यू अनम्यूट. कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? मौलिक करो आप अनम्यूट. आकृति आप करो अनम्यूट. ओके समबडी रोट समथिंग. तनीषा कैपिटल एक्सपेंडिचर विच आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर. बिल्कुल ठीक है. आई वांट वन एग्जांपल. कैपिटल कैपिटल इनकम इज अर्नड बाय सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. बिल्कुल ठीक है. गुड. कैपिटल इनकम्स आर दोस इनकम्स विच आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर जो कभी कभार होंगी एंड यूजुअली व्हेन वी सेल आर ओल्ड एसेट व्हाट एवर वी अर्न वट एवर वी गेट दैट इज आर कैपिटल इनकम. और रेवेन्यू इनकम क्या है? जो हमें लगातार होती है लाइक सेल ऑफ गुड्स. अब यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स नहीं है, यहाँ पे जो एनपीओ की सर्विसेज होंगी लाइक कोई वो शो करवा रहा है तो वो उसकी रेवेन्यू इनकम होगी. लेकिन रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में वी नेवर डिफरेंशिएट. ईदर वी हैव द रेवेन्यू इनकम और वी हैव द कैपिटल इनकम. ऑल वी आर रिकॉर्डिंग हियर. यस रेवेन्यू रिकरिंग इन नेचर. गुड. सो यू नो इट. ठीक है. I just wanted to tell you that when we prepare recipient payment account, he says you never differentiate between capital and revenue natured item. You record both types of items in your books of accounts, chahe wo revenue expenditure hai, chahe wo capital expenditure hai, chahe wo revenue income hai, chahe wo capital income hai. Period. Abhi maine bataya tha subscription is to be recorded off of current year. Agar इस साल का है, पिछले साल का कुछ रहता था मेंबर्स ने नहीं दिया था वो मिला तो प्रीवियस ईयर का भी रिकॉर्ड होता है, आने वाले फ्यूचर ईयर का भी रिकॉर्ड होता है. तो वी नेवर डिफरेंशिएट. हम इसमें करंट ईयर का डाटा भी रिकॉर्ड करते हैं, प्रीवियस ईयर का भी और फ्यूचर ईयर का भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं. बट व्हेन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर करंट ईयर ओनली. दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वन ईयर ओनली. ठीक है. क्योंकि वहां पे एक्रुअल कॉन्सेप्ट है और एक साल का ही रिकॉर्ड बनाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. Is it showing opening and closing balance? Yes, it is showing opening and closing balance, right? So it may have debit balance, it may have credit balance, depends upon the case. Adjustment. Outstanding expenses ki yahan pe koi adjustment hui hai? Prepaid expenses ki koi yahan pe adjustment hui hai? Income received in advance ki hui hai? Nahin. Whatever we are receiving, we are just recording. Lekin jo aapke representative personal accounts hai, unki koi bhi adjustment yahan pe nahi hoti. Even depreciation is always a non-cash item. We never write it here. Goodwill return off, we never write here because these are all the non-cash items. The non-cash items or your representative personal accounts are never being adjusted here. Purpose, what is the purpose behind its preparation? We just want to see, hamari receipts jyada hai ki payments jyada hai. We just want to see what is the cash in hand at a particular period of time with us. The purpose is to show amount received and paid under different heads during the accounting year. Limitation. लिमिटेशन यही है भाई. इट नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल नेचर्ड आइटम्स एंड रेवेन्यू नेचर्ड आइटम. ठीक है. हर तरह की आइटम जो कोई भी कैश में मिली हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं. इट डज नॉट शो द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स दैट हैव बीन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड. कुछ ऐसी इनकम्स जो हम लोगों ने अर्न तो कर ली है, हमें से क्रूड इनकम को ये रिकॉर्ड नहीं करता. इट डज नॉट शो सरप्लस और डेफिसिट. ये हमें सिर्फ कैश इन हैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है. It does not show whether the firm is able to meet its day-to-day expenses out of its income or not. सिर्फ कैश का आना और जाना रिकॉर्ड किया जाता है, यह नहीं बताता क्या हम लोग अपनी अवेलेबल इनकम से अपने डे टू डे एक्सपेंसिस पे कर पाएंगे कि नहीं. वो घुमा फिरा के बात यही है, सरप्लस और डेफिसिट नहीं बताता. In the beginning, I told you recipient payment account is nothing. It is same as of cash book. But he says there is a difference. Cash book is being prepared by profit making organizations. Recipient payment account is being prepared by NPOs. ठीक है. Cash book double column भी रहती थी, triple column भी रहती थी, लेकिन recipient payment account की ऐसी कोई types नहीं है. फिर भी देखते हैं इसने कौन से difference लिखे हैं. Let's see. Recipient payment account is a summary of cash book and is prepared from cash book. Okay. Recipient payment account की preparation के लिए cash book base हो सकता है. और कैशबुक क्या करती है? इट रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजैक्शन ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट सेपरेटली. ओके. रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट एक तरह की समरी है और कैशबुक हमारी मंथली बनती थी. उसमें हम लोग हर आइटम को डेली जो आइटम होती थी कैश से रिलेटेड हम उसे वहां पे रिकॉर्ड करते थे. रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट इज अ समरी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ, ये एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है. रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज टू बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, बट कैशबुक कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन डेली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस इवन. Institutions who prepare recipient payment account, अभी बताया मैंने.
Receipt and payment account is being prepared by NPOs and cash book is being prepared by all the organizations, chahe wo NPOs hain. It is prepared by all organization, be it not for profit organization or enterprise. मतलब चाहे आप एनपीओ हो तो भी आप कैश बुक बना सकते हो, अगर आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी आप बना सकते हो. साइड्स, इसकी डेबिट साइड को रिसीट बोलते हैं, इसकी क्रेडिट साइड को पेमेंट बोलते हैं. उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को पर्टिकुलर्स के नाम से ही जानते हैं, मींस उसकी साइड्स का कोई नाम नहीं है. ठीक है, दे आर बीइंग नेम्ड एज लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. लेजर फोलियो, कैश बुक अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो हम छोटा सा कॉलम लेजर फोलियो का बनाया करते थे पर्टिकुलर्स के बाद, यूजुअली वी यूज्ड टू स्किप, लेकिन एक्चुअल फॉर्मेट में था. रिसिप्ट एंड पेमेंट में लेजर फोलियो का कोई भी कॉलम नहीं होता. जैसे जर्नल में एलएफ का कॉलम होता है ना, तो कैश बुक में भी एलएफ का कॉलम बनाते थे हम. फर्स्ट एग्जाम्पल इज नॉट रिलेटेड विद यू, छोड़ दो ये. Yes, now come to the second financial statement which NPOs prepare, that is income and expenditure. और ये वो statement है जो आपको question में numerical में पूछी जाएगी. They will ask you to prepare income and expenditure account. If receipt and payment account is based upon real accounts, then income and expenditure account is being prepared on nominal basis. क्योंकि उस अकाउंट की डेबिट साइड में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आने हैं, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स आने. ठीक है, और उसका अगर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की वो बात करेगा तो एक रियल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, बिकॉज दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर. एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हर तरह की आइटम रिकॉर्ड होती थी, चाहे वो कैपिटल नेचर है चाहे वो रेवेन्यू नेचर है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आने. Only revenue income, which are of recurring nature. Only revenue expenditure. ठीक है, so this thing you have to keep in your mind. देखो जी क्या लिखा है इसने, और इसकी balancing figure, इसका कोई opening और closing balance नहीं आना है, इसकी balancing figure आनी है. If the credit side of this account, income and expenditure account we are discussing. If the credit side is more than the debit side, then surplus will be the balancing figure. Let me tell you. If the credit side of this account is more than the debit side, then surplus will be the balancing figure. If reverse happens, then deficit will be the balancing figure. Deficit का मतलब एक तरह का loss है, या आपके खर्चे ज्यादा हैं, incomes कम है, means आपकी negative position चल रही है, you just have to improve it. Surplus का मतलब क्या है, आपकी incomes ज्यादा हैं और expenditure कम है, आपके पास पैसा बच जाएगा सारे खर्चे करने के बाद. Features देखो क्या लिखे हैं. रेवेन्यू एक्सपेंसिस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर पेड और नॉट. इट मीन्स कि यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस को ट्रीटमेंट दोगे, वो खर्चा जो नहीं पे हुआ लेकिन उस साल का है तो आपने पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में एड करना है. सो ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंसिस वेदर पेड और नॉट वी आर रिकॉर्डिंग हेयर. ऑल द रेवेन्यू इनकम्स वेदर रिसीव्ड और नॉट वी आर रिकॉर्डिंग हेयर, मीन्स एक्रूड इनकम को ट्रीट किया जाएगा. नॉन कैश एक्सपेंसिस लाइक डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो टू बी रिकॉर्डेड हेयर. रिसिप्ट एंड पेमेंट की जब मैंने बात करी थी तो ओनली कैश एक्सपेंसेस और कैश पेमेंट्स वी आर रिकॉर्डिंग. ठीक है, नॉन कैश आइटम्स वी आर इग्नोरिंग, बट हियर वी विल रिकॉर्ड इट. कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक परचेज ऑफ लैंड वी विल नॉट रिकॉर्ड हियर. कैपिटल रिसीट्स लाइक डोनेशन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, लाइफ मेंबरशिप फी, बिकॉज वी आर रिसीविंग इट ओनली फॉर वंस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द मेंबर. So these are certain capital receipts which are not to be recorded here. We will just be recording here revenue receipts, revenue expenditure. So these are the few features of your income and expenditure account. Baki Monday continue karenge bhai. Wahi aana paper mein, haan ji. Accrual basis. Aur wo cash basis. Receipt and payment account is cash basis of accounting. Haan ji, any doubt, any confusion, anyone? You want to ask anything? I have 2 or 3 minutes still with me. So features I can discuss. Taki Monday hum iska format hi discuss kare. Nature, it is a nominal account. Basis of accounting, accrual basis. Accounting period, those expenses or incomes and losses which relate to the current accounting period, whether paid or not, all are recorded. Iska opening or closing balance nahi hoga. Adjustments.
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट्स को ट्रीट किया जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट्स को ट्रीट नहीं किया जाता। लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट दे रखी है, सो यू विल बी एडिंग इट टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, राइट? सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड।